स्टडी, आज के ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ के बारे में। तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है। इट स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फ्लो इन अ सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का अपोज करती है जिसके कारण यह प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने फैराडेज लॉ में बताया था आप लोग को कल प्रीवियस लेक्चर में, कि मतलब कि जो आपका कह लीजिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो क्या था, वो कह लीजिए आपका क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो वो जिसके कारण, अब इस लेंज लॉ में यही चीज़ दिखा, लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें आप देखोगे किसी कहीं पे भी कि ई एवरेज अगर दिया हुआ तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी होता है। यानी जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिस कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी कारण का अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव होता है ना। और इस नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हम इस लेंज लॉ को समझते हैं। यानी जो मैंने डेफिनेशन दी हुई है इस चीज़ को देखिए, हम कि कोई भी कॉइल है ना, कोई भी कॉइल है तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको पता है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो वो क्या है कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अब क्या होगा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जिसके मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है और जिसके कारण जो ईएमएफ करंट प्रोड्यूस हो रही है वो उसी रीज़न का अपोज करता है जिसके कारण वो क्रिएट होता है ना। अब इसको देखिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, कोई आपका कॉइल है ना, क्लोज पाथ का कोई कॉइल है ना। तो अब इस, और ये कॉइल कैसा कंडक्टिंग कॉइल है। अब हमने क्या किया कि इसको, ये आपका मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या करेंगे, हम इस कॉइल के पास लाएंगे, है ना। मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इसके पास लाएंगे। तो जाहिर सी बात आपको पता है मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे जैसे इसके पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे क्या होगा, लिंक होगा, है ना। तो लिंक होगा तो उस केस में अगर हम मैग्नेट के पास इसको, अरे सॉरी, इसको करंट इस कॉइल के पास हम मैग्नेट को लाते हैं तो उस हिसाब से तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना, जब ये आपका साउथ, मतलब कि इधर वाला ये साउथ और ये नॉर्थ फेस शो करे, है ना। ये तब के केस में होता है। तो अगर ये साउथ और नॉर्थ फेस शो, साउथ और नॉर्थ फेस शो करेगा तो उस कंडीशंस में जो करंट फ्लो होगी वो ऐसे करंट फ्लो होगी। बट नहीं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यही चीज़ें हमें करनी है कि मतलब इस करंट को ऐसे नहीं फ्लो कराना है, मतलब कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें ऐसा करना है कि जिसके कारण ये पास में आ रही है, यानी कि ये नॉर्थ पोल जिसके कारण इसके पास में आ रही है, वो पास ना अट्रैक्ट ना करे बल्कि क्या करे, एक दूसरे से दूर जाए, रिपल करे। तो रिपल कब करेगी, जब ये वाला फेज आपका क्या होगा, साउथ होगा और ये वाला फेज आपका, सॉरी, जब ये फेज़ आपका नॉर्थ होगा और ये वाला फेज़ क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तभी तो वो आपका क्या करेगा, रिपल करेगा ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अब रिपल जब करेगा तो अब इसमें कहीं ना कहीं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रही है। तो इस रिपल्सन के कारण जो करंट फ्लो होगी ना वो कैसे, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, आई डैश जिसको आप लोग कहते हो। अब बात समझ में आई, करंट कैसे फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। मतलब कि टोटली आप कह दो कि ऐसी करंट इसमें फ्लो हो जाए, ऐसी इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाए कि ये क्या करे, उसी रीज़न उसी कारण का अपोज करे जिसके कारण क्रिएट हो गया। मतलब कि अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो वो अट्रैक्ट करने का अपोज करे, और वो तभी होगा जब ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक है ना। और जब नॉर्थ होगा साउथ होगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शंस में होगी, ठीक है। इसमें करंट कैसी होगी आपकी, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शंस में होंगी। अब जस्ट इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि एक ऐसा कंडीशन आता है कि इस मैग्नेट को हम लोग दूर ले जाते हैं, मान लीजिए इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इस कॉइल से, इस कंडक्टिंग कॉइल से अगर ये मैग्नेट दूर होता है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो वो तभी तो होगा ना कि ये नॉर्थ रहेगा तभी रिपल करेगा। बट अगर हम इसको दूर ले जाते हैं तो इसमें, इस कॉइल में ऐसी करंट प्रोड्यूस, ऐसी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होनी चाहिए जिसके कारण ये रिपल होने का अपोज करे, मतलब कि ये रिपल ना हो, अट्रैक्ट हो। तो अट्रैक्ट कब के केस में होगा, जब आपका ये साउथ होगा और जब ये आपका नॉर्थ होगा, ठीक है। अब साउथ और नॉर्थ होने का मतलब कि उस केस में करंट इंड्यूस्ड करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए आपकी, ये आपका
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, यानी कि ये फेस साउथ में और ये फेस आपका नॉर्थ में हो। तो अब बात समझ में आ गई, यानी कि इसमें ऐसे इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जो उस चीज़ का अपोज करे जिसके कारण ये क्रिएट हुआ है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम इसको एक अलग एग्जांपल से भी समझना चाहें तो देखिए सेकंड एग्जांपल, तभी हम लोग जो फेराडेस का सेकंड लॉ होता है तो माइनस लगाते हैं। माइनस का मतलब ही होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो उसी कारण का, उसी चीज़ का विरोध करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्रॉस है, क्रॉस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, अंदर की ओर है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है बच्चों, तो इसमें हमने क्या किया, कंडक्टिंग कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, अब कंडक्टिंग कॉइल रखा हुआ है तो करंट की डायरेक्शंस, भाई हम स्क्रू रूल लगाते हैं ना, कौन सा, मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा, राइट हैंड स्क्रू, जब स्क्रू रूल लगाते हो तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर आप अपने हैंड को कैसे कर्ल करोगे, ऐसे करोगे। और ये थंब क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को, यानी थंब करंट की डायरेक्शन का मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की, करंट है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ऐसे करंट होना चाहिए, ऐसे करंट फ्लो होना चाहिए। बट नहीं, ऐसे करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि ऐसी करंट फ्लो करानी है जिससे कि अंदर की ओर फ्लक्स कम हो सके, यानी कि जो फ्लक्स अंदर की ओर कम होगी तभी तो उसका अपोज कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, करंट मतलब कि कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसमें करंट आपका क्या हो, वो बिल्कुल पहले के अपोजिट हो, तभी तो वो उस कारण का अपोज करेगा जिसके कारण क्रिएट होगा। अब जब करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी तो वो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अंदर की ओर ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि वो धीरे धीरे उसको बाहर की ओर कोशिश करने लगेगी। ठीक है, यानी करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में फ्लो करने, इंड्यूस्ड करंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में फ्लो करने लगेगा। अब अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो जो मैंने एक दिन बताया था कि करंट मान लीजिए अपवर्ड्स चल रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप ऐसे निकालते हो ना कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शंस में है तो यूं यूं कर्ल को आप मोड़ते हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है तो करंट क्या, अपवर्ड है। अगर इसी वायर को आप ऐसे कट देते हो तो आपको पता दिख रहा है ना कि करंट की डायरेक्शन क्या ऐसे है। ठीक है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन लेंज लॉ में क्या करना है कि हमें जो इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड करंट ऐसी होनी चाहिए जो उसी चीज़ का अपोज करे जिसके कारण वो क्रिएट हुआ है, उसी चीज़ का अपोज करे जिसके कारण क्रिएट होगा, मतलब कि जो फ्लक्स ज़्यादा अंदर की ओर है तो उसको हमें क्या करना है, अंदर की ओर कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए तो वो अंदर की ओर, यानी कि इनवर्स फ्लक्स क्या होने लगेगा, वो कम होने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए बच्चों, जब मैं कभी कभी आप लोग को उधर के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाती थी कि जब मैग्नेटिक लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो मैं राइट हैंड मैक्सवेल का राइट हैंड लगाती थी। मैक्सवेल का कौन सा राइट हैंड रूल लगाती थी, जो कर्ल वाला था, मतलब कि ये वाला रूल्स मैं लगाती थी। ठीक है, कि मतलब कि थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में रखा और फोर फिंगर को मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से टर्न किया, तो वो मैग्नेटिक लाइंस दिखाता था। तो मैग्नेटिक लाइंस के लिए मैंने मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाया था, लेकिन ये जो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल है ना, वो कब के केस में लगा, जब आप क्या करते हो, किसी कंडक्टिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और अगर उसमें इंड्यूस्ड करंट पूछा जा रहा है और फिर कोई पूछे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, तब के केस में हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखते हैं कि ये तीनों फिंगर, जैसे कि मान लीजिए ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थ्रस्ट है ना, इसको आप कहते हो थंब, इसको ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं, ऐसे म्यूचुअली जैसे इन्होंने किया हुआ है, ऐसे म्यूचुअली निकुलर रखते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ये आपका मोशन को शो करता है और ये क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट को शो करता है। तो इस तरीके से हमें जब भी इंड्यूस्ड करंट को फाइंड करना हो तो यही वाला अप्लाई करेंगे। और वहाँ पे जो मैं बताती थी मैक्सवेल राइट हैंड रूल, वो किस लिए था, वो कि मतलब कि मैग्नेटिक लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी थी कि इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको क्या किया, दोबारा से बता दिया, इसको इस तरीके से आप शो करते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर आगे देखेंगे। थैंक यू।